अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो है ये 5 वायर्स एसटीआर मॉड्यूल किसी भी आप डेड सीआरटी टीवी में कैसे लगा सकते हैं। मेरी वीडियो को और से देखिएगा, मैं आपको इसके सारे कनेक्शन करना सिखाऊंगा। इससे पहले मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं जिसमें मैंने 3 वायर्स पावर सप्लाई यूनिवर्सल मॉड्यूल लगाना सिखाया है। लेकिन व्यूवर्स, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये इतना अच्छा नहीं होता टीवी के सर्किट के लिए, तो आप कोशिश किया करके 5 वायर वाला एसटीआर मॉड्यूल यूज़ करें। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि अगर आपका कोई भी टीवी डेड है, सबसे पहले आपने उसका जो पावर ट्रांजिस्टर है या एसटीआर है उसको ओपन कर लेना है। अगला स्टेप में आपने उसका जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज कर लेना है। अभी मैं आपको इसकी वायरिंग बताता हूँ व्यूअर्स। सबसे पहले आपने ब्लैक वायर लेनी है। ब्लैक वायर लगेगी मेन फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव पे। नेक्स्ट है हमारी रेड वायर, ये लगेगी जो पावर ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर पे। आपने वो पिन ओपन कर लेनी है। जैसे मैंने ओपन कर दिए, अब ये इसकी कनेक्शन आ रहा है तो इसको मैं इधर लगा देता हूँ। दो हमारी वायर्स हो गई। अब तीसरी इसकी ग्रीन वायर, ग्रीन वायर लगानी है ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 3 पे। पिन नंबर 1 होती है जो डॉट वाली है, पिन नंबर 2 उस डॉट वाले के साथ, और 2 के बिल्कुल अपोजिट साइड पे पिन नंबर 3 होती है। तो इधर ये पिन नंबर 3। अब रह गई पीछे हमारी दो वायर्स, येलो और ब्लू। येलो हमने लगानी है जो B+ पे हमारा डायोड लगा हुआ है, डायोड के एनोड पे, नेगेटिव साइड पे। और ब्लू वायर लगानी है हमने जो हमारा B+ का कैपेसिटर है उसके नेगेटिव पे। हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब व्यूअर्स, इसमें अगला आपको मैं टिप बताऊं कि जब भी आप ये पावर ये लगाएं एसटीआर मॉड्यूल, आपने जो B+ की लाइन जा रही है आगे, उसका आपने कनेक्शन ओपन कर लेना। ओपन कर लेने और अगला स्टेप आपका ये है कि आपने बल्ब लेना है 100 वाट का, उसको आपने इधर कनेक्ट कर लेना B+ का जो हमारा फिल्टर कैपेसिटर प्लस और माइनस, ताकि लोड हमारा बल्ब पे रहे, आगे कोई चीज़ शॉर्ट हो, हमारा ये पावर मॉड्यूल भी ना शॉर्ट हो और हमारा सर्किट भी बच जाए। इसका अगला टिप ये है कि हमेशा इसको हमने हीट सिंक पे लगाने और बीच में ये इंसुलेशन लाजमी लगानी, क्योंकि ये नहीं होगी तो शॉर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।